लगी, और स्पेशली जो एक्टर्स ने काम किया है, एक्टिंग एंड डायरेक्शन, इट्स लाइक फैबुलस एंड ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी. मुझे फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा है, और ऊपर से सभी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. स्टोरी एब्सोल्युटली सस्पेंस था, लास्ट में ओपन हुआ, सो दैट वाज वेरी नाइस. आई विल गिव 5 or 4+. या थैंक यू. अमेजिंग मूवी जो अंकित हंस, उनका डायरेक्शन बहुत काफ़ी अमेजिंग था, एंड तक सस्पेंस था. वरुण सर, जो वरुण सर हैं, उनका काफ़ी अच्छा अमेजिंग परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छा दिया. देखना चाहिए, लाइक काफ़ी अच्छा है, कमाल की स्टोरी है. डायरेक्शन बहुत अमेजिंग है सर, एंड तक आपको सस्पेंस मिलेगा, आप गेस नहीं कर पाओगे क्या चल रहा है. अमेजिंग वर्क सर, काफ़ी अच्छा काम है. 5 on 5. थैंक यू. एक्सीलेंट मूवी, मतलब आप एंड तक के, जब तक मूवी ख़त्म होती है तब तक आप फ्रेम से नज़र हटा ही नहीं सकते. बहुत प्यारी मूवी लगी मेरे को, सस्पेंस पर सस्पेंस, थ्रिलर मूवी, एक्शन मूवी, अमेजिंगली सुपर परफॉर्मेंस. डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत प्यारा था, मतलब लाइक और लास्ट तक जो है मालूम नहीं पड़ता है कौन आदमी काम कर रहा है. अच्छी लगी, एकदम बेटर है मूवी, बात की रखती है और देखने लायक. ये लोकेशन भी शूट किया जी, जी कहानी का जब किया गया. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा. सस्पेंस थ्रिलर है, मुझे लग रहा है कि मूवी तो बहुत देखा है लेकिन कुछ अलग हटके है. हाँ वहाँ पूरा मूवी पूरा लास्ट तक सस्पेंस ही बना हुआ है, एंड में खुलता है. अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा. चार नाइस, इट्स वेरी इंटरटेनिंग एंड एवरीथिंग इज देयर, थ्रिल, इमोशंस, सस्पेंस. सो इट्स अ फैमिली मूवी, वन शुड गो एंड वॉच दिस मूवी. एक्टिंग की बात करता हूं, एक्टिंग इज वेरी नाइस. आई थिंक वरुण हैव वर्क वेरी वेरी गुड, वेरी गुड एक्टर. मैं पहले से भी जानती हूँ, ही हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एक्चुअली. हाँ श्योर सर, एक्चुअली आफ्टर इंटरवल ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और काफ़ी सस्पेंस, मतलब लास्ट तक हमें लगता रहता है कि ये कौन है मर्डर कौन है, मतलब इट्स अ वेरी इंटरटेनिंग. एक्ट्रेस, या ऑल एक्ट्रेस आर वेरी गुड, सबके काम बहुत अच्छे हैं, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, इवन सॉन्ग इज़ वेरी नाइस. 5 में से 4.5. थैंक यू सर. मुझे अच्छी लगी ये फिल्म, अच्छी फिल्म है. लास्ट तक सस्पेंस मेंटेन रहता है, अच्छी है, एंटरटेनिंग है, बढ़िया फिल्म. नए स्टार कास्ट से उन्होंने इसके अच्छा परफॉर्म किया है. हाँ, सभी का काम अच्छा है, और जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका काम भी बहुत अच्छा है. हाँ, डायरेक्शन भी अच्छा है, सब अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है और गाने भी अच्छे हैं, ऑल गुड. मतलब सब कुछ चेक करके रखने वाली मूवी, एंड तक सस्पेंस इतना था कि मतलब आई वाज लाइक कि मैं सोचने में ही लग गई कि आखिर मतलब व्हाट इज़ द रोल. तो इट्स वेरी नाइस मूवी, मुझे लगता है सबको देखना चाहिए, एंड एवरी वन इज़ वेरी गुड इन देयर एक्टिंग. ऑल द बेस्ट. कितने स्टार देंगे आप रेटिंग? मैं इसको दूंगी आउट ऑफ 5 is 5. थैंक यू सो मच. गुड कलेक्टिव एफर्ट, अच्छा लगा देख के, स्टोरी अच्छी थी, म्यूजिक अच्छा था. सो इन ऑल ऑल द बेस्ट टू द टीम एंड आई होप इट डज रियली वेल इंशाल्लाह. सो थैंक यू. बहुत ही बढ़िया फिल्म है, एंड बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन है. हमें बहुत जगह पे लगता है, शक होता है कि ये ही करेक्टर है जिसने गड़बड़ करी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रूव कर देता है कि नहीं, ये उसने नहीं करी है, किसी और ने करी है. लेकिन एंड में जो ट्विस्ट आता है बहुत ही बढ़िया है. टू गुड, सबको देखनी चाहिए यार. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डायरेक्शन है यार. अंकित ने बहुत अच्छा डायरेक्शन करा है, एंड मैं कहूँगा एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम करा है, एंड ये गिव एंड टेक वाला काम है,
जितना अच्छा एक्टर्स करेंगे उतना अच्छा डायरेक्टर्स का भी उतना ही अच्छा पार्ट होता है। बिल्कुल देखनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हाउसफुल जाना चाहिए, डेफिनेटली आप सबको देखनी चाहिए। थैंक यू। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और जो हृदय सिंह है जो लीड में है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर है। उन्होंने बहुत सारी शेड्स शो किए हैं इसमें, इनोसेंस भी थी, एकदम से विलन भी, मतलब बहुत कुछ आप पकड़ ही नहीं पाएंगे किस पॉइंट पे, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। मतलब अगर आप 5 मिनट के लिए भी यहाँ वहाँ देखते हैं तो आप काफ़ी टर्न्स को मिस कर जाएंगे। तो मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी, उनका काम भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बहुत डिफरेंट तरीके से उन्होंने जो पुलिस इंस्पेक्टर कॉप है उनका रोल प्ले किया है। यूजुअली जैसा हम फिल्म्स में देखते आते हैं कि इस तरह से कॉप्स को पोर्ट्रे किया जाता है, इस फिल्म में आप बहुत अलग देखेंगे कि कॉप्स को इस तरह से भी पोर्ट्रे किया जा सकता है। और डायरेक्शन बहुत अच्छा था, जो डायरेक्टर है वो खुद एक एक्टर हैं और उनका ये डायरेक्टोरियल डेब्यू है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो डेब्यू है, एकदम वो प्रो लग रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी फिल्म। कर रहे हैं एंड इट्स माई वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर इन द मूवी और आई थिंक अगर लोगों को थ्रिलर मूवी पसंद है तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस दे कैन हैव एंड दे कैन वॉच मूवी। कल रिलीज़ हो रही है, गो एंड वॉच दिस मूवी। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी, आई थिंक उनका फर्स्ट डेब्यू है एज अ डायरेक्टर, तो आई थिंक अगर पहली बार उन्होंने एज अ डेब्यू डायरेक्टर करा है तो अमेजिंग वर्क, उनकी स्किल्स और उनका जो मेहनत है इस मूवी में नज़र आ रही है और आई थिंक उनको आगे अपना करियर इस लाइन में बहुत बेस्ट जाएगा। हाँ, मैसेज ये देती है कि थ्रिल अगर आपको देखा जाए तो ऐसी मूवीज़ में ही मिलेगा और इस मूवी में आपको ये पता चलता है कि आपको दिमाग लगाना, जो दिख रहा है वो सच नहीं है, जो भ्रम है वो आपको इस मूवी में पता चलेगा। थैंक यू सो मच।